हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर पैक जो आपके बालों को ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा, आपके हेयर फॉल को रोकेगा, आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पैक बनाने के लिए आपको लेना है 1 से 2 अनियन और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसको पीस लीजिएगा और फिर इसका जूस निकाल लीजिएगा। और अब आपको लेना है 1 क्लीन बाउल और उसमें डाल देना है 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट आपको इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, और फिर आपको इसमें डाल देना है 2 विटामिन ई का कैप्सूल, इसमें डाल देना है 3 से 4 टेबल स्पून अनियन जूस का, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये एक स्मूथ पैक बन जाए। तो ये रेडी हो गया हमारा अनियन हेयर पैक। अब आप इसको लेकर के अपने क्लीन बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। इसको 1 घंटे के लिए अपने बालों में लगे रहने दीजिएगा। 1 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा अमेजिंग और मैजिकल शैम्पू शेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपके हेयर ग्रोथ को दुगनी तेज़ी से बढ़ाएगा। इससे आपके बाल ठीक होंगे, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनिंग भी होंगे। तो चलिए देखते हैं ये मैजिकल शैम्पू को बनाना कैसे है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 पैन और उसमें डाल देना है 1 गिलास पानी, और फिर इसमें डाल दीजिएगा 1 टेबल स्पून चाय पत्ती, और इसको इतना बॉयल कीजिएगा जब तक कि ये आधा ना हो जाए। मतलब 1 गिलास पानी लिए हैं तो आधा गिलास इसको कर लीजिएगा, और जब ये आधा हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छान लीजिएगा, और फिर आपको इसमें ऐड कर देना है अपना कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हो, और फिर इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, और ये रेडी हो गया आपके बालों के लिए मैजिकल शैम्पू। इसको लेकर के आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि आपके बाल पहले से कितने ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए जब भी आप शैम्पू कीजिएगा तो इसी तरीके से कीजिएगा। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बाल पहले से ठीक हो जाएंगे और आपको हेयर फॉल भी नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बहुत सारे होम रेमेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर जेल जो आपके बालों को लंबे, घने और मोटा बनाएगा, और ये आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी भी बनाएगा और आपके बालों के सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। तो चलिए देखते हैं इस हेयर जेल को बनाना कैसे है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हेयर जेल बनाने के लिए आपको लेना है 1 पैन और उसमें डाल देना है 1 से 2 गिलास पानी, और फिर इसमें डाल दीजिएगा 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी का बीज, और इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉयल कर लीजिएगा। जब ये कुछ इस तरीके का हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको हल्का ठंडा कर लीजिएगा। फिर किसी भी कॉटन के कपड़ा से या छन्नी की हेल्प से इसका जेल निकाल लीजिए।
तो मैं यहाँ पे जेल को निकाल ली हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून अनियन जूस का। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 ड्रॉप्स लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का। आपके पास जो भी एसेंशियल ऑयल है आप वो इसमें डाल दीजिएगा और फिर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये रेडी हो गया हमारा अनियन हेयर जेल और अब आप इसको ले करके अपने पूरे बालों में अच्छे से लगा लीजिएगा और 5 से 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कर लीजिएगा और फिर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 1 घंटे के बाद बालों को वॉश कर लीजिएगा और नॉर्मल बालों को ड्राई होने दीजिएगा। फर्स्ट यूज़ में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में 1 से 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये थे मेरा आज का वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अमेजिंग हेयर मास्क जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थीन है, आपके बालों से साइन चली गई है, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गया है, आपके बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये हेयर मास्क आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये 100% नेचुरल है और इसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात याद रखना, एक ही यूज़ में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट यूज़ में आपके बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे, लेकिन हेयर ग्रोथ की बात करें तो वो एक ही यूज़ में नहीं होगा। आपको हेयर ग्रोथ के लिए वीक में कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर यूज़ करना होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस मैजिकल हेयर मास्क को बनाना कैसे है। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे बहुत सारे ईजी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए। तो मास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिबिस्कस पाउडर का, यानी कि गुड़हल के फूलों का पाउडर का। आपके पास अगर फ्रेश फूल मिल जाए तो आप उसको यूज़ कर लेना पीस करके। मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून हिबिस्कस पाउडर का। आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड मैजिकल इन्ग्रीडियंट मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून अनियन जूस का। नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 टेबल स्पून दही। दही डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये एक स्मूथ पैक बन जाए और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून हल्का गर्म पानी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें पानी डाल सकते हो और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये रेडी हो गया हमारा मैजिकल हेयर मास्क। अब आप इसको लेकर के अपने क्लीन बालों में अच्छे से लगा लेना, स्कैल्प से लेकर की लेंथ तक अपने पूरे बालों में लगा लेना। अच्छे से लगाने के बाद इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। 1 घंटे बाद आप अपने बालों को वॉश कर लेना। बालों को वॉश करने के बाद उसको नेचुरली ड्राई करना है, किसी भी ड्रायर का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप देखना आपके बाल पहले से कितने ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे बहुत सारी होम रेमेडी वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर ऑयल और हेयर मास्क जो आपके बालों के सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा और आपके बाल काले, घने और लंबे होंगे, वो भी बहुत ही फास्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा पतले हो गए, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बालों में डैंड्रफ हो गए हैं, तो आपके इन सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा ये एक रेमेडी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है और यूज कैसे करना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 से 2 अनियन और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और फिर आपको लेना है थोड़ा सा अदरक और उसको भी छोटे टुकड़ों में काट करके दोनों को एक मिक्सी जार में डाल करके इसको पीस लेना है। इन दोनों को अच्छे से पीसने के बाद इसको किसी भी छन्नी या कपड़े की हेल्प से हम इसका जूस निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं जूस को निकाल ली हूँ और फिर आपको लेना है एक बाउल और उसमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल।
नेक्स्ट आपको इसमें डाल देना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और फिर इसमें डाल दीजिएगा 3 से 4 चम्मच प्याज और अदरक का जूस। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये रेडी हो गया आपका हेयर ऑयल और हेयर मास्क। नहाने के 2 घंटे पहले आप इसको लेकर के अपने बालों के जड़ों में अच्छे से लगा लीजिएगा और इसको 2 घंटे के लिए अपने बालों में लगे रहने दीजिएगा। 2 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी ऑर्गेनिक शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में 1 से 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये रेमेडी आपके बालों में ऑयल का भी काम करेगी और मास्क का भी काम करेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग हेयर टॉनिक जो आपके बालों के सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, हेयर रीग्रोथ की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आपके इन सारे प्रॉब्लम को दूर कर देगा ये एक हेयर टॉनिक। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेयर टॉनिक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 टीस्पून लौंग, 4 टीस्पून मेथी दाना और फिर हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे 1 से 2 गिलास पानी। और फिर हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और लौंग को। और फिर हम इसमें अदरक को ऐसे कूट करके डाल देंगे और फिर हम इसे लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छान लीजिए और किसी भी स्प्रे बोतल में भर कर रख लीजिए। और ये रेडी हो गया हमारा मैजिकल हेयर टॉनिक। शैम्पू करने से 1 घंटा पहले आप इसको लेकर के अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल हेयर पैक जिससे आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन है, आप उसको थिक करना चाहते हो, अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो, अपने हेयर फॉल्स को रोकना चाहते हो, तो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकता है ये एक हेयर पैक। और ये 100% नेचुरल है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो लेना है वो ये है आंवला, रीठा और सीका काई का पाउडर। मैं यहाँ पर तीनों का मिक्स पाउडर ली हूँ। ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप जहाँ से चाहो वहाँ से इसको ले सकते हो। पैक बनाने के लिए आपको लेना है 1 क्लीन बाउल और उसमें डालना है 3 टेबल स्पून आंवला, रीठा एंड सीका काई के पाउडर। आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से पाउडर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है 1 टेबल स्पून करी लिप्स पाउडर, ये भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो आप उसको मिक्सी में थोड़ा सा पानी के साथ पीस करके इसमें डाल देना। फिर आपको लेना है हल्का गर्म पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। पंद्रह मिनट बाद हम इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है 1 अंडा।
जो लोग यहाँ अंडा नहीं डाल सकते हैं या अंडा नहीं यूज करते हैं, वो यहाँ पे एक केला को अच्छे से पीस करके उसका पेस्ट बना करके इसमें डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे लेमन एसेंशियल ऑयल के। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पे हाफ लेमन जूस भी डाल सकते हो। इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना और ये रेडी हो गया हमारा मोस्ट पावरफुल हेयर पैक। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। इसे आप अपने क्लीन बालों पे अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिएगा। और बालों को पार्टीशन करते हुए अपने जड़ों में अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छे से लगाने के बाद आप इसको एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। एक घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको वीक में एक बार जरूर यूज कीजिएगा। रीठा आंवला सीकाकाई करी लिप्स ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बहुत सारे इजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए।